Mic check. All right. So hey guys, it's me Deepak back again with another video. और Deepak Customs के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, पिछले वीडियो में मैंने की थी एक पेंटिंग मेरे बेडरूम के लिए एंड मैंने कहा था मैं उस पर गोल्ड फॉइलिंग करूँगा, पर तभी गोल्ड फॉइल आई नहीं थी। मैंने आपको कहा था मैं एक रील पोस्ट कर दूंगा और मैंने वो रील पोस्ट कर दी है, जो मेरी इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करते हैं उधर आ गई है रील। वेल, नाइकी के शूज़ में मुझे एयरफोर्स तो बेहद ज़्यादा पसंद है। आपको भी पता होगा इट्स अ लेजेंडरी लाइन एंड उसके शूज़ स्टार्ट ही कुछ 8,000 से होते हैं। तो आज जो हमारे स्टूडियो में एयरफोर्स है गाइस, वो एक ब्लैक एयरफोर्स है और उसके ऊपर लाइम कलर के डिटेल्स है। बहुत ही बढ़िया कलरवे है, पर हम लोग उसको और ज़्यादा कूल बनाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ओशनिक थीम इंस्पायर्ड कुछ करूँ एंड बाद में शायद मैं गोल्ड फॉइलिंग भी करूँ उसके ऊपर। सो वेल गाइस, जाते हैं हमारी ड्राइंग टेबल पे, शूज़ वहाँ पर रेडी है एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस कस्टमाइजेशन। हियर आर आर एयर फोर्सेस गाइस। ब्लैक एयर फोर्सेस के बारे में बहुत सारे मीम्स फेमस है, बट इसका जो सोल है काफ़ी ब्यूटिफुल लेमन कलर का है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस कलरवे ऑलरेडी, बट वी आर गोइंग टू मेक इट मोर सुपर्ब। लेट्स रिमूव द शू ट्रीज फर्स्ट एंड लेट्स गेट द लेसेस ऑफ। मेरी एसीटोन की बॉटल का स्टिकर निकल गया, बट यूजिंग सम एसीटोन giving it a nice bath to remove all the factory finish and I also removed this crazy air branding kyunki udhar side mein ubra hua air already likha hua hai. I'll just paint over it. Favorite part, let's start adding the paints. So this is going to be a really unique color scheme using all metallic paints over here. Enjoy the art therapy. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off. जो इनर स्वूशेस है गाइस, मैं उनके ऊपर से येलो से जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर गोल्ड फॉइलिंग करेंगे, द पार्ट दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, सो दैट जब भी गोल्ड फॉइल थोड़ी भी चिप हो जाए, जो कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, तो नीचे एक ब्यूटीफुल वाइब्रेंट येलो स्वूश हो। हैंड शो के बाहर की तरफ मैं ऐड कर रहा हूँ टाइगर स्ट्राइप्स। टाइगर शार्क पे भी ऐसी स्ट्राइप्स होती है टू गिव इट अ रॉ माचो फील। Now using some mod podge linked below in the description for securing the gold foil. और आ गई है हमारी गोल्ड फॉइल गाइस। ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है, मतलब गीले टिश्यू पेपर से भी ये सॉफ्ट होती है एंड ये मेरे फिंगर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्लोली मैं इसको पूरे सूश पे अप्लाई कर रहा हूँ। दिस पार्ट इज वेरी ट्रिकी एंड यू हैव टू बी सुपर केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस, क्योंकि गोल्ड फॉइल इज एक्सपेंसिव। वेल, रिपीटिंग द प्रोसेस ऑन द अदर साइड एंड इट वॉज लुकिंग ऑल ब्लिंग। ऑल्सो फॉइल साइड के पेंट पे चिपक रही थी, आई गॉट रेड ऑफ इट कम्प्लीटली बाय अ सीक्रेट निंजा टेक्निक। लेस अप। सो वेल गाइज, हमारे फोर्सेस बनके हो गए हैं तैयार। मेरे पास इनका ओरिजिनल बॉक्स जो था वो मैंने फेंक दिया था,
तो अभी मैंने इनको इन शूज़ के बॉक्स में रखा हुआ है। अभी जाते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़े सिनेमैटिक बी रोल्स। सो वेल, हमारे कस्टम्स कुछ ऐसे बने हैं। यू कैन सी यहाँ पर जो मैंने डिटेलिंग की है थोड़ी ओशनिक की है। ओसन ये जो पेंट्स है गाइज, बेसिकली लाइट को काफ़ी डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये पैनल इंस्पायर्ड है ओशन और हार्ड शार्क स्किन से, ये पैनल इंस्पायर्ड है टाइगर शार्क से। एंड समुद्र में बहुत सारे एल्गे होते हैं, ग्रीनरी होती है, उसके लिए मैंने लेसेस नियॉन ग्रीन किए हैं। एंड फाइनली समुद्र में जो बड़ी बड़ी शिप्स डूब जाती है, जिसमें होता है पायरेट्स का छुपा हुआ खजाना, उसमें होता है बहुत सारा गोल्ड, तो वो गोल्ड मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो ऐसे जाके हमारा इस शू का ये कलर वे बना है। ये मेरी पूरी ओरिजिनल कल्पना है। सो गाइज, रिसेंटली आई हैव बीन स्टडिंग अ बिट मोर अबाउट शूज़ और कौन से पैनल पे कौन सा कलर इस्तेमाल करने से, क्या कलर्स बेसिकली इस्तेमाल करने से शू ज़्यादा कूल लगता है, ये मुझे समझ में आ गया है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। सो गाइज, पिछले वीडियो में मैंने कहा था मैं इस पे गोल्ड फॉइलिंग करूँगा। ओह माय गॉड, लुक एट द पूरी तरीके से ओवर एक्सपोज हो रहा है। सो देख सकते हो, गोल्ड फॉइलिंग करने के बाद हमारी पेंटिंग कुछ ऐसे लग रही है। मैंने बहुत ज़्यादा गोल्ड फॉइलिंग नहीं की है, इसका रीज़न ये है कि गोल्ड इज़ अ रेयर मेटल, एंड अगर आप पूरी पेंटिंग गोल्ड से भर दोगे तो गोल्ड का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो ओनली ऑन द एसेंशियल पार्ट्स आई हैव एडेड गोल्ड। मैं हूँ डीप लाइफ, आई कीप क्रिएटिंग DIY आर्ट व्लॉग्स एंड सच कस्टमाइजेशंस। सो इफ यू वांट टू चेक आउट मोर कंटेंट बाय मी, नीचे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी दबा देना। वी ऑल्सो हैव अ शॉर्ट्स चैनल एंड ऑल आर सोशल मीडिया हैंडल्स आर लिंक्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so do check them out as well. Well guys, that was it for this video. I hope you loved this one. Thanks for watching this video guys, and I'll see you in the next one. I'm in the flawless traits, I built tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.